हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के थोड़ा में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोटरोला मोबाइल का वाईफाई ऑन नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है, तो कैसे आप इसे 100% ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको यहाँ पर सर्च बार मिलेगा तो इस पर क्लिक करके लिखना है ऐप। जैसे आप ऐप लिखेंगे तो ऐप लिस्ट या ऐप मैनेजमेंट नाम की सेटिंग मिल जाएगी, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं, या फिर हो सकता है नीचे या ऊपर मिले तो आप थोड़ा चेक कर लेना, खोज लेना। फिर आपको इस सेटिंग पे क्लिक करना है ऐप लिस्ट पे। फिर जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ऐप लिस्ट पे, तो जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं यहाँ पर आप आ जाएंगे। या फिर अगर आपके फ़ोन में सर्च वाला ऑप्शन नहीं है, नहीं खोज पा रहे हैं, तो फिर क्या करना है, देखिए मोबाइल के सेटिंग में जाना है, फिर आपको आ जाना है थोड़ा नीचे, और यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या ऐप्स नाम की सेटिंग मिल जाएगी, तीनों में से किसी नाम से होगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। अब गाइस, इतना करने के बाद ऊपर की साइड दो या थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, सो सिस्टम पे क्लिक कर देना है। अब आपको देखिए सर्च बार में क्लिक करके लिखना है वाई फाई। जैसे वाई फाई लिखेंगे वाई फाई यहाँ पर आ जाएगा, जितने भी वाईफाई ऐप्स हैं आपको उस पर बारी बारी से क्लिक करना है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से क्लियर डेटा और ओके कर देना है। देखिए मैंने क्लियर डेटा और ओके कर दिया, इसी प्रकार आप सभी को यहाँ से कर लेना। देखिए यहाँ पर करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए आगे हम बताते हैं। फिर आप एक बार बैक आना होम स्क्रीन पर, और अब अपने वाईफाई को ऑन करके चेक करना कि ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर ऑन ना हो तो फिर क्या करना है, देखिए फिर से मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पर आपको देखिए सर्च बार में क्लिक करके लिखना है रीसेट। अगर आप रीसेट लिखेंगे तो यहाँ पर रीसेट देखिए नेटवर्क सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है। रीसेट आगे कुछ और लिखा होकर भी आ सकता है यहाँ पर, तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग मिल जाएगा यहाँ पर, रीसेट वाईफाई ब्लूटूथ एंड मोबाइल नेटवर्क आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, अपना पासवर्ड डाल देना है, और फिर जैसे ही ओके करेंगे आपका जो नेटवर्क रहेगा रीसेट हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो इस सेटिंग पे, अगर यहाँ सेटिंग नहीं मिल रही है रीसेट वाली, तो फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग या मोर सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप अपने फ़ोन में चेक कर लेना कि मोर सेटिंग नाम से या फिर एडिशनल सेटिंग, तो अगर जो भी सेटिंग रहे उस सेटिंग पर क्लिक करना है, तो मेरे में है एडिशनल। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। फिर सबसे नीचे आना है बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हो सकता है रीसेट वाली सेटिंग मिल जाए, अगर नहीं मिलेगी तो यहाँ इरेज ऑल डेटा का सेटिंग मिलेगी सबसे नीचे, इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको 100% मिल जाएगी सेटिंग। रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है, अपना पासवर्ड इंटर कर लेना है और यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर देना है। जैसे ही इतना आप कर लेते हैं, चलिए हम एक बार करके आपको दिखाते हैं रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स। अभी देखना हमारा वाईफाई अपने आप ही ऑन हो जाएगा, पहले रीसेट हो जाए पूरा। देखिए यहाँ पर रीसेट नेटवर्क हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई अपने आप ही ऑन हो गया, या फिर आप चाहें तो इतना करने के बाद अपने मोबाइल को रीस्टार्ट या रिबूट भी कर सकते हैं, फिर 100% वाईफाई ऑन हो जाएगा। तो गाइस, इन सभी तरीकों में से किसी न किसी तरीके से आप ऑन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।